अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही लजीन अस्तफा वअला आलिही वसहबिही नुजूमिल हुदा वअउलिया उम्मतिही वउलमा मिल्लतिही बररतित तुका अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنكم إذا مثلهم صدق الله العظيم رفيقان گرامی عشاء کے بعد سے لے کر اب تک الحمدللہ سب یہاں تشریف فرما ہیں. दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो रही है कि कुछ अशार अपने मुर्शिद करीम हुजूर ताजुश्शरिया बदरुत्तरीका अलैहि रहमतु व रिजवान के कलाम के आपके गोश. आवाज तो दमदार नहीं है मगर हजरत के कलाम पर अगर तवज्जो दी जाए तो ईमान ताजा हो जाता है. और चाहे आला हजरत का कलाम हो या हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का कलाम हो या सरकार ताजुश्शरिया का कलाम हो, मशहूर जमाना कलाम है मगर ईमान में तरक्की की नीयत से इसको इंशाअल्लाह गुनगुनाया जाएगा. बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह, हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह. माशाल्लाह मजमा शबाब पर है और आप बेदार हैं, बहुत गौर से संजीदा अंदाज में प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं. तवज्जो फरमाएं, दुरूद पाक पढ़ें. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فرماتے ہیں تاج الشریا مصطفی ذات یکتا آپ ہے मुस्तफा ज़ात यकता. मजमा भी बुलंद आवाज से बोलता रहे सुभान अल्लाह. आप हैं मुस्तफा ज़ात यकता. मुस्तफा जैसा कोई हो सकता नहीं.
होगा। आइए इनका मकाम मर्तबा देखें, उठाइए तंबी
तंबीहुल गाफिलीन, किताब का नाम है तंबीहुल गाफिलीन, अल्लामा अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लिखी हुई है। उन्होंने एक हदीस पाक तकरीज की है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल कुरआन शाफिउ व मुशफ्फउ इन्नल कुरआन शाफिउ व मुशफ्फअ फमन जअलहु अमामहु कादहु इलल जन्ना व मन जअलहु खल्फहु साकहु इलन नार। ए यहां बनारस के खुश अकीदा लोगों, जरा तवज्जो करो, हदीस की तशरीह सुनना चाहते हो तो गौर करो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान कयामत के दिन सिफारिश भी करेगा, जो हाफिज कुरान बनकर के कुरान की तिलावत करेगा, या जो नाजरा पढ़ के नाजरे पढ़ने के बाद रोजाना एक रुकू या दो रुकू पढ़ेगा, उसकी भी कयामत के दिन सिफारिश करेगा। और आगे हदीस का जुमला दे रहा हूँ, यही पर इसी पर बस नहीं होगा, बल्कि वो मुशफ्फा कुरान करीम जिसकी सिफारिश करेगा उसकी सिफारिश के बारे में शफात कबूल भी की जाएगी। अब आगे जरा देखें, हर एक के बारे में ये नहीं कहा कुरान करीम ने। मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूँ, हाफिज कुरान बन गए, ऐसा ना हो कि कुरान करीम की तिलावत करना बंद कर दे, ऐसा ना हो कि कुरान करीम की दौर करना बंद कर दे। इसलिए कि हदीस पाक में बयान फरमाया गया, ये मुजदा हर एक हाफिज कुरान के लिए नहीं है, ये शफात का मामला हर एक के लिए नहीं है, बल्कि अगला जुमला बता रहा हूँ, फमन जअलहु अमामहु कादहु इलल जन्ना, जिसने कुरान करीम को अपने सामने रखा यानी रातों दिन कुरान करीम पढ़ा और उसके अहकाम पर अमल कर दिया, तो कयामत के दिन कुरान उसको जन्नत में ले। अभी थोड़ी देर में सुल्तानुल फुकहा उस्तादुल उलमा शहजादे हुजूर शद्रु शरिया बद्रु तरीका हजरतुल अल्लाम अश्शाह मुफ्ती मोहम्मद जियाउल मुस्तफा कादरी मद्दा जिल्लहुल आली वन नूरानी इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे, हम उनके दीदार से माला माल होंगे। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, हाथ उठाओ किस किस के समझ में आ रही है। हदीस पाक मैंने बयान की कि ये हर एक के लिए मुजदा नहीं है। आज हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बन गए हैं, कितना बड़ा मकाम मर्तबा है। हदीस पाक में बयान किया गया, अल कुरान शाफियउ व मुशफ्फा फमन जअलहु अमामहु कादहु इलल जन्ना। आज होता क्या है, अक्सर जगह ऐसा होता है हमारे बच्चे कुरान के हाफिज हो गए मगर उसकी तिलावत से बिल्कुल गाफिल होते चले जा रहे हैं। अगला जुमला भी देख करके जा रहा हूँ, हदीस पाक के अंदर बयान फरमाया गया, वमन जअलहु खल्फहु साकहु इलन नार, कुरान करीम के हाफिज बन गए, कुरान करीम को सीने में महफूज कर लिया, मगर अल अयाजु बिल्लाह हुआ ये कि ना कुरान करीम की तिलावत की जा रही है यानी उसके अहकाम पर अमल नहीं किया जा रहा है, और जनाब आली हाफिज कुरान बनकर चले गए। बद मजहब से भी मेल जोल की बातें की जा रही है, अल अयाजु बिल्लाह, बातिल फिरकों से भी यानी मेल जोल की बातें की जा रही है, अल अयाजु बिल्लाह। तो कुरान करीम के बारे में हदीस पाक ने कुरान करीम के ताल्लुक से बयान फरमाया, फमन जअलहु खल्फहु साकहु इलन नार, जिसने इसको अपने पसे पुश्त डाल दिया यानी इसके अहकाम पर अमल नहीं किया, साकहु इलन नार, उसको जहन्नम में ले जाए। और करें, आज रातों दिन तकरीरें सुनते रहते हैं, दिल की बात पहुंचा रहा हूं। अभी अभी कर्नाटक से 3 दिन पहले फोन आया, मेरे बात ये समझ में नहीं आती हजरत, माहौल ये हो गया है कि आप मौलाना शकील साहब बोल रहे हैं जी, तारीख मिल जाएगी, हाँ कि आप जमा देंगे। तक नहीं समझा, कौम का ये मिजाज बन गया है, जमा देंगे क्या यानी पब्लिक की वाबाही लूट कर उसको खुश कर देंगे। अरे गौर करो, ये कॉन्फ्रेंस नीचे है व तहफ्फुज़े मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत का तहफ्फुज़ भी इन बच्चों के लिए लाजिम है और हम सबके लिए लाजिम है। मसलके आला हजरत के तहफ्फुज़ में क्या क्या चीजें आती है, उठाइए इमाम अहमद रजा के मुसन्नफात, उठाइए फतावा रज़विया शरीफ, इंसाइक्लोपीडिया फिकही ज़बानी फिक में इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखता है, उठाइए इमाम अहले सुन्नत की किताबों को, उठाइए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की किताबों को, उठाइए हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की किताबों को, उठाइए मुर्शिदे करीम हुजूर ताजुश्शरिया बद्रुत तरीका अलैहि रहमतु व रिज़वान की किताबों को, इसमें पता चल जाएगा। मेरे इमाम की किताबों को देखोगे तो ये पता मिलेगा, जब जब भी बातिल फिरके ने सर उठाया है, कहीं वहाबियत का फितना उठा, कहीं आदियानियत का फितना उठा, कहीं राफिजियत का फितना उठा, कहीं चक्रालवियत का फितना उठा, जब जब भी फितने ने सर उठाया, इमाम अहमद रजा का कलम चला और सर। आज लोग कहते हैं
जिंदाबाद, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद। चुपके से सुलह कुल्लियों में चले गए, चाय नोशी भी हो रही है, उनसे मुसाफा मुआन करे आप हैरत में पड़ रहे हैं। मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिका ला इलाहा उला इवला इलाहा उला, उधर भी मेल जोल की बातें की जा रही है, इधर भी मेल जोल की बातें की जा रही है। सुनो ऐ यहाँ के बनारस के खुशअकीदा लोगों में आपको अपनी जबान जरूर है, मगर मैं हदीस की रोशनी में सुलह कुल्लियत की मजम्मत को बयान करके जाऊंगा। अगर आप कुरान करीम की आयतों को उठाकर देखोगे तो पता मिलेगा उसमें जगह जगह सुलह कुल्लियों का भी रद्द किया गया है। एक जगह फरमाया गया इन्नकुम इज़म मिस्लु, जब जब भी कोई कुरान की आयतों का इनकार करता है, कुरान की आयतों के बारे में इस्तेहजा यानी तमस्खुर और मजाक उड़ाता है, अगर उस वक्त तुम खामोश रहे और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे और उनसे मुसाफा और मुआनता करके यानी उनसे ताल्लुकात बरकरार रखे, तो कुरान करीम ने कहा इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, तब तुम्हारा हुक्म उन्हीं है। आ रही है इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, तुम्हारा हुक्म उन्हीं की तरह है। आज बहुत सारे लोग वो की सोच ये होती है कि हजरत अब रद्द का जमाना नहीं रहा, रद्द का जमाना नहीं रहा। आप लोग कितने अकलमंद हैं जरा बताओ, अगर हमारा ईमान महफूज नहीं रहेगा तो हमारा जीना किसी कार का हो सकता है, हमारी जिंदगी किसी काम की हो सकती है? हमारा जीना और मरना उसी वक्त कार आमद हो सकता है जब के हम अहदीसे तय्यिबात के फरामीन पर अमल करें। उठाइए एक हदीसे पाक के अंदर फरमाया गया मन वक्तरा साहिब बिदअत फकद आना अला मजहब की ताजीम की, किसने किसी पर मजहब की ताजीम की फकद आना। वाहिद मुज़क्कर गाइब का सीगा है, ये उलमा बैठे हैं हदीसे पाक की यानी गवाही दे रही है, अगर उसकी ताजीम की फकद आना अला हदबिल इस्लाम, उसने इस्लाम के ठाने पर मदद की, मदद की। अब जरा वो गौर करें जो मुआशरे में रिश्ता भी कर लेते हैं, अरे चलो कुछ नहीं वो भी चलते हैं ये भी चलते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये तो जब मौत का वक्त आएगा, मैंने इमाम जलालुद्दीन सियूती की किताब, किताब का नाम याद रख लेना शरहु सुदूर बिशरही हालिल मौता वल कुबूर, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती की किताब है, नाम याद रख लेना। और ये वो अल्लामा जलालुद्दीन सियूती है कि आला हजरत जब इनका नाम लेते हैं तो इमामुल मिल्लत वद्दीन के नाम से याद करते हैं, हाफिजुल मिल्लत वद्दीन के नाम से याद करते हैं। और ये वो आलिम दीन है जिन्होंने मेरे आका को हालत बेदारी पे एक मर्तबा नहीं दो मर्तबा नहीं बल्कि 75 मर्तबा मेरे आका का दीदार मर्तबा किया है, 75 मर्तबा मेरे आका का दीदार किया है। उसमें अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने एक हदीस कुदसी नकल फरमाई है, जरा तवज्जो से सुनना, उसके अल्फाज ये है वा खरजा अबू याला फी मुस्नदिहि अन तरीक यजीद अर-रुकाशी अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलुल्लाहु तबारक व तआला लिमलकिल मौत इंतलिक इला वली इंतलिक इला वली इंतलिक इला वली फअतिनी बिही फइन्नी कद जर्रबतुहु बिस्सरा फिक्र होती है आज हमारा अगर सुन्नी मुसलमान भाई अगर बहक कर जाता है या बदअमली का शिकार होता है तो दिल को तकलीफ होती है। आज मैं मुझे कह लेने दिया जाए अक्सर जगह स्टेजों पर भी बस यही इससे काम चला ले लिया जाता है, उसे हंसा दिया इसे हंसा दिया, ये लतीफे बाजी किस्से कहानियां, बस पब्लिक की वाहवाही लूट ली गई। अरे देखो
इमाम जलालुद्दीन सियूती ने कहा, अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करके दुनिया से जाओगे, कारी साहब जरा तवज्जो चाहूंगा, अगर आप परहेजगारी इख्तियार करके, मेरे बच्चों परहेजगारी इख्तियार करके दुनिया से जाओगे, तो हदीसे कुदसी क्या कह रही है, जरा अपने ईमान को ताजगी बख्शो। परहेजगार का कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है, ये तहफ्फुज़े मसलक आला हजरत कॉन्फ्रेंस है। परहेजगारी का तकाजा ये है, हदीसों ने मजहब से मेल जोल को मना किया है, हदीसों ने सुलह खुलियों के मेल जोल से मना किया है, कुरान ने मना किया है और उसका ठिकाना जहन्नम बताया है। और हदीसों कुरान में ये भी आया है कि नमाजों की पाबंदी करो। मैं कहना ये चाहूंगा, अगर आप परहेजगारी इख्तियार करके दुनिया से चले गए, तो हदीसे कुदसी के अंदर फरमाया गया, जब उस परहेजगार की मौत का वक्त करीब आता है तो जानते हो क्या होता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मलकुल मौत इंतलिक इला वली, ऐ मेरे मलकुल मौत मुअज्जज फरिश्ते मेरे दोस्त के पास चले जाओ, इसलिए कि जब वो हाफिज़े कुरान बना था तो उसने कुरान करीम के अहकाम पर अमल किया था, जब वो बालिग हुआ था उसी वक्त से पांच वक्त की नमाज की पाबंदी करके दुनिया को अलविदा इस्लाम देकर के आ रहा है, और जब वो बालिग हुआ उसने तमाम शरीयत के अहकाम पर अमल किया, उसने उसको मैंने गम दिया तब भी उसने मेरा शुक्र बजा लाया, और मैंने उसे खुशी दी तब भी मेरा शुक्र बजा लाया। ए मलकुल मौत जाओ, फवजदतुहु अहब्बा, मैंने उसको गम में भी अच्छा पाया और उसको खुशी में भी अच्छा पाया, जाओ आज उसकी रूह को निकाल कर मेरे पास लाओ, मैं उसको दुनिया के गमों से आजाद कर। तकरीर नाम है दिल में उतार लेने, तकरीर नाम है जुमले जो सामने वाला बोल रहा है, सिर्फ कामयाबी इसका नाम नहीं है। ये तसव्वुर छोड़ दो, मजमे से नारा लग गया, मुकद्दर साहब के अंदाजे बयान को देख लिया गया, बरेली से आए थे मुफ्ती शकील, बड़ा बुलंद आवाज था, वाह क्या पूछो, अरे बार बार इनकी तारीफ ले, याद करो, अगर बदअमली के शिकार हो गए और बदअमल होकर के दुनिया से अलविदा सलाम कह दिया, अलयाज़ु बिल्लाह, खुदा ना करे तो मैं हदीस को पूरा करके अपनी बात को खत्म करूंगा, अगर आपकी तवज्जो हो तो जरा इजाजत दें पूरा करूं कि यहीं पर खत्म। अरे बताएं, खुल करके बताएं, क्योंकि हम शौक या तकदीर करने के आदि नहीं हैं। गौर करें, हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं क्या कि अल्लाह फरमाता है जाओ और उसकी रूह को निकाल कर मेरे पास लाओ। परहेजगार बंदे की रूह को मलकुल मौत आते हैं और अकेले नहीं आते हैं। हदीसे पाक में बयान फरमाया गया, वमा हू खम्सु मियतिन मिनल मलाइका, उनके साथ एक फरिश्ता नहीं बल्कि 500 फरिश्ते होते हैं। अकेले नहीं आते हैं, कितने फरिश्ते होते हैं? 500 फरिश्ते, और उनके साथ क्या होता है जानते हो? आप तो बाद में कफन का इंतजाम करोगे, कारी साहब हुक्म देंगे कि कफन का इंतजाम किया जाए। मैं यहाँ कफन और मुर्द के तल्लुक से तकरीर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन निस्बत बता रहा हूँ कि अगर आप अमल करोगे तो अमल करने में सिर्फ यही नहीं है कि आप, मतलब ये है कि यानी मुस्तहबात पर अमल करके दुनिया से चले गए, अमल का लफ्ज मुख्तसर है, मगर इस अमल में एतिकादियात सब आ गए, इस अमल में ये अकीदा भी आ गया कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, इस अमल में ये अकीदा भी आ गया अल्लाह ने अपने हबीब को इल्म गैब दिया है, इस अमल में ये अकीदा भी आ गया कि जितने भी अंबिया हैं अल्लाह के फजल व करम से मालिक व मुख्तार हैं, जितने भी औलिया हैं मालिक व मुख्तार हैं, तमाम एतिकादियात जो आला हजरत ने हमें दिए हैं वो सब आ गए, अकीदे में अमल करके भी चले गए और फौरियात पर अमल करके भी चले गए। अल्लाह फरमाएगा जाओ इस बंदे की रूह निकाल कर मेरे पास लाओ, मलकुल मौत 500 फरिश्तों के साथ आएंगे, उनके पास जानते हो क्या होगा, वा माहू 500 मिनल मलाइका कफनुम मिन अकफानिल जन्ना, सुभान अल्लाह, उनके साथ जन्नती कफन होगा, जन्नती कफन होगा, अल्लाहु अकबर, वा माहू हनूतुम मिन हनूतिल जन्ना, और उनके साथ जन्नत की हनूत नामी खुशबू होगी, हम मलकुल मौत उसके पास बैठ जाएंगे और बैठ करके क्या कहेंगे जानते हो, या अय्यतुहर रूहुत तय्यिबा उखरुजी इला रब्बिकि रादियतन मर्दिया, ऐ पाकीज़ा रूह अपने रब के पास चली जा, इसलिए कि तू हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियासत में लगी रही। अब जरा गौर करें कारी साहब, जरा तवज्जो फरमाएं, मैं कहना ये चाहूंगा, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने जो ये हदीस
पाक नकल फरमाई है। ये बच्चे हाफिज़े कुरान बन गए हैं, ये बच्चे कारी कुरान बन गए हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने अमली मैदान में उतर करके अपनी जिंदगी को अलविदाई सलाम कह दिया, हर एक को जाना है। अब जानते हो हदीस पाक में ये भी बयान फरमाया गया, जब एक अल्लाह का मुकद्दस बंदा अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजार कर जाने वाला बंदा जब उसका जनाजा घर से निकाला जाता है, तो मैंने हदीस पाक के अंदर पढ़ा है, 70,000 من الملائکہ उसके जनाजे के साथ खानदान वाले भी होते हैं, अजीज व अकारिब भी होते हैं, अपने बेगाने भी होते हैं। मगर हदीस पाक के अंदर बयान फरमाया गया, दुनिया के अंदर जो बदमजहब से बचकर चला गया, बदअकीदों से बचकर चला गया, आदियानियत से बचकर चला गया, सुलह कुलियत की मजम्मत करके चला गया, मसलके आला हजरत को थाम कर चला गया, मुर्शिदे करीम ताजुश शरिया के रास्ते पर अमल करके चला गया, तो मैं कहता हूँ हदीस पाक ऐलान कर रही है, उसके जनाजे में इंसान तो इंसान 70,000 फरिश्ते भी होते हैं। और अल्लाह की बारगाह में दुआए मकबूल, 70,000 من الملائکہ, कितने हजार हदीस के अल्फाज, 70,000 फरिश्ते होते हैं। क्या कहते हैं, या अल्लाह इसकी बख्शीश फरमा दे। आज गौर करें, जगह जगह इल्ला माशा अल्लाह बइस्तिस्नाए पास हमारी कौम की लड़कियां, हमारे लड़के इतनी बेराहती का शिकार हो रहे हैं, कोई इस तरह तवज्जो नहीं देता, बस ये है कि फला मुकद्दर साहब को उस जगह से बुला लिया जाए। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, जरूर बुलाओ, आलिम बामल को बुलाओ, मुआशरे में जो खौफ की लकीरें पैदा कर दे उसे बुलाओ। आखिरकार फजाइल व मनाकिब की बातें सबको मालूम है, कि ये हदीस पाक किसी को नहीं मालूम। तंबीहुल गाफिलीन में हदीस पाक में मैंने ये भी पढ़ा है, अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद قال, वो फरमाते हैं, इन फी जहन्नम लजबानन, इन फी जहन्नम लजबानन, ए फीहा अकारिब तलसाउ अहदहुम, फीहा अकारिब तलसाउ अहदहुम, यजिदु हुम्मतुहा हुम्मतहा 40 खतीफा। बद अमलों के लिए ये भी तो हदीस पाक है, कोई खतीब इल्ला माशाल्लाह इसको हमारी कौम को क्यों नहीं सुनाता। उठाकर आज भी तंबीहुल गाफिलीन देख ले, हवाला मिल जाएगा, सफा नंबर भी बता दूंगा, देख लो। मैं रोंगटा खड़ा हो गया जब ये हदीस पाक पढ़ी। जहन्नम में एक अंधा कुआं है, अल्लाहु अकबर, एक कुआं है, उसमें सांप भी है, हयात का लफ्ज है, लंबे लंबे सांप है, और कैसे सांप है, अमसाली अनाकिल मुख्ती, यानी मुख्ती ऊंट जो अरब में बहुत अच्छा माना जाता है, उसकी गर्दनों के बराबर लंबे, यानी उसकी गर्दनों की तरह लंबे लंबे सांप है, और क्या है, वाकारिबा, और ऐसे बिच्छू है, कल्बी गालिब तुहमी, जो खच्चर की तरह लंबे लंबे हैं, काला खच्चर जैसे होता है उसके बराबर बिच्छू है। अब जरा बनारस के खुशकीदा लोगों, अगर अदना सा नोकीला कोई चीज लग जाए तो हम बेताब हो जाते हैं, अरे हमारे उंगली में क्या लग गया। अगर अदना सा गर्म का पानी का या कतरा यहाँ आ जाए तो कारी साहब की बारगाह में भागे भागे आते हो, कारी साहब जरा कुछ इस पर दम कर दीजिए। मैं कहना चाहूंगा, वो नमाजों को छोड़ने वालों, वो कुरान की तिलावत को नजरअंदाज करने वालों, और मसलक आला हजरत के ज़बान से नारे लगाने वालों, और हकीकत से बिल्कुल गाफिल हो जाने वालों, और गौसे आज़म की अकीदत का लफ्ज़ी अंदाज़ में यानी अपना दम भरने वालों, जरा सुनो सुनो, उस जहन्नम के अज़ाब से डरो, कि जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, और बदअमली की हालत में अगर चले गए तो पछतावे के अलावा कुछ ना होगा। अगर जाना है तो इस अंदाज़ में जाना है कि फरिश्ते भी गवाही दें, मौला सारी दुनिया सन्नाटे में सोया करती थी, या अल्लाह का बंदा की तन्हाई में कुरान मुकद्दस की तिलावत करके अपने खाने दिल को मुनव्वर किया करता था, और तहज्जुद की नमाज अदा करके अपने खाने दिल को मुनव्वर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहज्जुदे मसलके आला हजरत, कॉन्फ्रेंस। उसके खौफ को अपने दिल में बसाओ, परहेजगार हो,
अजाब की गर्दन आएगी अजाब देने के लिए। मैंने हदीस पाक के अंदर पढ़ा है, जब सामने से गर्दन आएगी जा अभी तो ये देखा है ये परहेजगार की रूह का आलम है। अभी ये रुख भी क्या कहने भाई, आज हमारे स्टेजों पर बजबाबा और इल्ला माशाल्लाह। अरे खौफ खुदा से बुजुर्ग रोया करते थे, रात की तन्हाइयों में आंसू यहाँ तक आ जाया करते थे, उनके मानी में गौर किया करते थे। आगे चले व अखरजा अबू याला फी मुसनदी अन तरीकी यजीद रुकाशी। इधर तवज्जो करो, उधर मत देखो। ये तकरीर रोज रोज नहीं होती और ये बयानात रोज रोज नहीं सुनने मिलते, मिल जाते हैं तो हमारी कौम अमली मैदान से काफी कोसों दूर होती चली जा रही है। कलेजा मुंह को आता है, अफसोस होता है। हमारे नौजवान आने अहले सुन्नत पर देखें गौर करें और बिल्कुल संजीदगी के साथ बिना किसी मजमे में यानी शोरगुल के इस हदीस पाक को देखें। अब मैं बता रहा हूं अपनी कैफियत। एक दिन कमरे में बैठकर मैं इस हदीस पाक का शरह सुदूर में अचानक हाथ में आ गई। इत्तेफाक से हजरत यही हदीस पाक पर नजर मेरी पड़ गई। सच्ची बात बता रहा हूं और मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं, मुझे कोई लाहो लालच का मामला नहीं है। मैंने जब पढ़ा गुनाहगार की रूह का आलम क्या होगा कि जो यानी रूह निकलने का आलम क्या होगा, अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर, क्या अजाब का मामला है। जिन्होंने कुरान करीम का
हिफ्ज कर लिया, तिलावत से गाफिल हो गए, और नमाजें बड़े यानी बेहुदा अंदाज में और गपशप में गुजार देते हैं, उनका वक्त जाया कर देते हैं। हमारी कौम का हाल ये हो चुका है। और मौलाना साहब जो तकरीर करते हैं, कहते यार क्या रोजा नमाज, क्या रोजा नमाज, अलियाजु बिल्ला, ये तो हमें पता ही है। बरेली से मौलाना शकील आए थे, नमाज रोजे की बातें करके चले गए। अरे मेरे इमाम ने पूरी जिंदगी नमाज सही होने के बारे में अकायद का पता दिया है, उनके बारे में अहकाम का पता दिया है। उठाओ, बदअमल की रूह कैसे निकाली जाएगी, मैं आपको एक झलक बता देना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाएगा मलकुल मौत से, इंतलिक इला अदुबी, जरा अल्फाज पर गौर कर लो, इंतलिक इला अदुबी, मेरे दुश्मन के पास चले जाओ, अल्लाहु अकबर, मेरे दुश्मन के पास चले जाओ, उसकी रूह को निकाल कर मेरे पास लाओ। मलकुल मौत अकेले नहीं आते हैं, 500 फरिश्ते इनके साथ भी इस बार भी आया करते हैं। और मरने वाला जब चारपाई पर लेटता है, अल्लामा शामी रद्दुल मुख्तार में फरमाते हैं, सबसे पहले उसकी नाक पे असर पड़ता है, और उसके बाद यहाँ से रूह निकलना स्टार्ट होती है, और हलकूम में जाकर जब फंस जाती है, उस वक्त सोचता है काश कुरान पढ़ लिया होता, ए काश मैंने उलामा की जूतियाँ सीधी कर ली होती, ए काश सूरह कहफ की तिलावत करके अपने खाने दिल को मुनव्वर कर लिया होता, अपने बाप को भी देखता है, अपनी माँ को भी देखता है, मगर कोई असर पड़ने वाला नहीं। अब क्या होता है, कुछ नहीं होता, अफसोस के सिवा कुछ नहीं। मलकुल मौत आते हैं और 500 फरिश्ते उनके साथ क्या होता है जानते हो, अगला जुमला, वा माहुम सफूदुम मिन नार। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, सीन फे वाओ दाल, इसका माना डिक्शनरी के अंदर देखेंगे, किसी भी लुगत की किताब में देख ले, चाहे ताजुल उरूस हो, चाहे लिसानुल अरब हो, चाहे मुअज्जमुल वसीत हो, चाहे बुलदानुल अरब हो, चाहे मुख्तारुस सिहा हो, चाहे जौहरी की कोई किताब हो, चाहे किसी भी किताब लुगत का कोई भी मामला हो, चाहे अल मानी हो, चाहे अल वतीरा हो, चाहे असबीहा हो, चाहे कोई भी लुगत की डिक्शनरी की कोई भी किताब हो, उसके अंदर जब माना आप देखेंगे, सीन फा फे वाओ दाल, इसका माना होता है लोक लोहे का आंकड़ा। आपने कभी शामी कबाब खाए होंगे, जिसका यानी आंकड़े पर उसको सीखा जाता है कबाब को, वो लोहा कहलाता है, सफूदुम सफूद उसको कहा जाता है। अब जरा आगे करो, बदअमल की रूह कैसे निकाली जाएगी। जन्नती फरिश्ते जब आ रहे थे परहेजगार की रूह निकालने के लिए, तो उनके पास क्या था, जन्नती कफन भी था, उनके पास जन्नती खुशबू भी थी, मगर बदअमल की रूह निकालने के लिए जो आए, उसकी रूह निकालने के लिए जो दुनिया में सुलेफुल्लियों से मिला करता था, जिसने दुनिया में अपनी बेटी की शादी सुलेफुल्ली से रचा दी, जिसने दुनिया में अपने बेटे का निकाह बदमजहब से कर दिया, जिसने दुनिया में अपने बेटे का निकाह आदियानियों में कर दिया, और नजरअंदाज कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा, कयामत के मैदान में भी सोच लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा, वो कान खोल कर सुन ले क्या जवाब होगा। अल्लामा जलालुल मिल्लत वद्दीन की इस हदीस पाक को जो उन्होंने नकल किया है, आपने फरमाया कि बदअमल की रूह का मामला ये होगा, वमाहुम सफूदुम मिन नार, उनके पास फरिश्तों के पास क्या होगा, आग का आंकड़ा होगा। अल्लाहु अकबर, लोहे का आंकड़ा नहीं होगा, आग का आंकड़ा होगा, नार का आंकड़ा होगा। अब जानते हो, फयजलिसु मलकुल मौत, मलकुल मौत बैठेंगे, फैजा दखला वसला इला बतनी, वसला इला शारी, वसला इला अज़्मी, वसला इला लहमी, वसला इला अज़्मी। जब वो दोहे का यानी आग का आंकड़ा उस गुनाहगार की रूह निकालने के लिए डाला जाएगा, जो बद मजहबों से मिलता था, जो बद अकीदों से मिलता था, जो सुलेफुल्लियों से मिलता था, जो कादियानियों से मिलता था, जो चकरालियों से मिलता था, जो राफियों से मिलता था, जब उसकी रूह को निकालने के लिए वो आंकड़ा डाला जाएगा, वसला इला बतनी ही, उसके पेट की खाल को चीरता हुआ, बालों को चीरता हुआ चला जाएगा, इला अज़्मी ही, उसकी हड्डी को पार करता हुआ चला जाएगा, इला फ़ख़िज़ी ही, उसकी रान को पार करता हुआ चला जाएगा, इला लहमी ही, उसके गोश्त को पार करता हुआ चला जाएगा, और वो मरने वाला कहेगा, अल आतश 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 अल आतश, हाय प्यास से डूबा जा रहा हूँ, हाय प्यास, मुझे पानी पिला दिया जाए, मेरे गले की सुखावट को तर कर दिया जाए, लेकिन अब कोई नहीं होगा, उसकी यहाँ घुटने की रूह को निकाल कर यहाँ डाला जाएगा, उतनी तकलीफ के साथ फिर निकाला जाएगा, फिर यहाँ डाला जाएगा, उतनी तकलीफ के साथ फिर निकाला जाएगा, और मलकुल मौत कहेंगे, अय्यतुहर रूहुल खबीसा, ए खबीस रूह जा जहन्नम की तरफ चली जा। उस वक्त रूह जिस्म से कहेगी, तब्बल लगा तब्बल लगा तब्बल लगा तब्बल लगा, ए रूह तू यानी तू काम से गया जिस्म, तू गया काम से, तू हलाक हो गया, तू बर्बाद हो गया। जिस्म कहेगा, आखिरकार क्यों हलाक हो गया, क्यों
बर्बाद हो गया तो रूह कहेगी इसलिए कि जब दुनिया में तू जाता था नमाज़े जुहर के लिए मुनादी निदा करता था मगर अपने बिजनेस में लगा रहता था, दुनिया में बदमाशब से एजेंसी में बिताया करता था, उसको खुश करने के लिए तरह तरह की बातें किया करता था। तेरा कदम गुनाह की तरफ उठा, तेरा हाथ गुनाह की तरफ उठा, तेरी आंखें गुनाह की तरफ उठी, तेरी जबान गीबत में चली, तेरी जबान हसद में चली, जब तूने बदअमली का शिकार होकर के जिंदगी गुजारी, अब तू ये अजाबे जहन्नम का मजा चख और तू चखता रहेगा। अल्लाहु अकबर, ऐसा है जहन्नम का मसला। अल्लाहु अकबर, ए यहां के बनारस के खुश अकीदा लोगों, इंशाल्लाह अपनी नस्लों को मसलके आला हजरत तक कायम रहने का दर्स दिया करो। और मैं बताऊं हाथ उठाकर बोलो पढ़ूं के नहीं पढ़ूं बताओ जरा, और सब मेरे बच्चे सुन रहे हैं, और मैं यही नसीहत करके जाना चाहूंगा कोई भी आलिमे दीन आए उसकी तकरीर को बहुत गौर से सुनो, ये नजर से निकाल दो कि मसलके आला हजरत के बारे में बताया तो जमी नहीं या ये मतलब फेल हो गए मुकर्रर साहब, खुदारा ये ज़हनियत को बदल दो, इसलिए कि वहाँ फेल होना नहीं पूछा जाएगा। चीखो चिंगाड़ वाला मौलाना ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कामयाबी की जमानत लेकर के अपने सर पर जाएगा। मैंने तो हदीस पाक में ये भी पढ़ा है, एक हदीस पाक में आया है, अन साद इब्ने मुआज अन मुआज इब्ने जबल काला कुल्तु या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दो हम भी कहलवा लेते हैं सुभान अल्लाह, इसलिए के सवाब भी मिलेगा। आगे चलिए, कुल तु या रसूल अल्लाह अखबिरनी बिअमल युदखिलुनी अलजन्नत व युबाइदुनी मिनन नार, वल्लाही लकद सअलता अन अमरिन अज़ीम व इन्नहु लयसीरुन अला मन यसरहु अल्लाहु तआला अलैह, تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، قلت بلى يا رسول الله، قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا رسول الله فأخذ بلسانه وأشار إليه فقال كف عليك هذا كف عليك هذا كف عليك هذا، یہ حدیث پاک یہ ہمیں بتا رہی ہے، غور کریں توجہ دیں، ترجمہ کر رہا ہوں، اتنے بڑے صحابی ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، 10-15 منٹ اور اس حدیث کی وضاحت کر دوں پھر رخصت ہو رہا ہوں، उसके बाद फिर अगला प्रोग्राम चलेगा। जरा गौर करें, ईमान ताजा हो रहा है कि नहीं, अमली मैदान में उतर जाना, वक्त ज्यादा नहीं है, कोई जवानी में जहां अचानक मौतें बहुत हो रही है, मिनटों में सेकंडों में इंसान अटैक का शिकार हो रहा है और चला जा रहा है, कोई किसी के बस का मामला नहीं है। हजरत मुआज इब्ने जबल मेरे आका की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह कुछ ऐसा अमल बता दीजिए है युदखिलुनिल जन्नत जो मुझे जन्नत में ले जाए, वयुबाइदुनी मिनन नार और जहन्नम से आजादी का जरिया मिल जाए। क्या इससे ये सबक नहीं मिला कि आप लोग कारी अरकम साहब की बारगाह में आया करें, आप लोग इन उलमा की बारगाह में आया करें, आप लोग इन तालिबान उलूम नबविया की बारगाह में आकर के मसले शरईया दरियाफ्त किया करें, इसलिए कि सहाबी रसूल ने भी मेरे आका से मसले शरईया दरियाफ्त किया था। ऐ आका ऐसा काम बता दीजिए अगर उसको करूँ तो जन्नत में चला जाऊँ और जहन्नम से आजादी का जरिया मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया ऐ मुआज इब्ने जबल सवाल तो बहुत बड़ा कर दिया है और इसका जवाब देना हर एक के और आसान भी नहीं है, मगर अल्लाह जिस पर आसान करे उस पर आसान भी है। सबसे पहले मेरे आका ने क्या दर्स दिया, ताबुदुल्लाह अल्लाह की इबादत करो। मुआज इब्ने जबल मैं सवाल पूछना चाहता हूँ इन उलमा से और आपसे भी, क्या मुआज इब्ने जबल नमाज को कज़ा करते थे, क्या नमाज से गाफिल रहा करते थे? नहीं नहीं, वो तो सहाबी रसूल जलील कदर सहाबी और तमाम सहाबा अदूल हैं, हदीस पाक गवाह है, मगर आखिरकार ये तलकीन मेरे आका ने उनको क्यों दी? इसलिए दी कि हम और आपकी तालीम के लिए मेरी उम्मत के लोग समझ लें कि ईमान के बाद नमाज का मामला सबसे अहम है। और आगे चलो, वतुकीमस
सलाह मेरे आप ने फरमाया नमाज कायम करना, और नमाज को कायम करने का क्या मतलब है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप जिनका इंतजार था यके बाद दीगरे अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, हमारे रफीक भाई अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, और अभी कुछ ही देर में सुल्तानुल फुकहा शहजादे सदरुशरिया इंशाल्लाह रौनक अफरोज हो जाएंगे, और हम और आप सब उनके ज़ियारत करेंगे। खुदे पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। इस हदीस पाक का मफहूम मैं आपको बताना चाहूंगा। आज लोग बयान करते हैं ताजुशरिया की मुखालफत करते हैं और मसलक के आला हजरत पर उंगली उठाते हैं, या क्या है मसलक के आला हजरत। मैं ये कहना ये चाहूंगा, मेरे इमाम की जिंदगी को उठाकर देखोगे तो मेरे इमाम ने लम्हा लम्हा ये कहकर बता दिया है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, और गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मेरे इमाम ने वही पैगाम हम तक पहुँचाए जो सहाबाए किराम के अकीदे थे, जो सहाबाए किराम के पैगाम थे। तफसीली मौका नहीं है, इजमालन में ये बताना चाहता हूँ। हजरत मुआज़ इब्ने जबल ने ये कहा, मेरे आका की बारगाह में सवाल कर दिया, कोई ऐसा काम बता दीजिए। तो मेरे आका ने बताया तुकीमस्सलाह, नमाज कायम करो। और आगे चले उसके बाद मेरे आका ने फरमाया अला अदुल्लुका अला अबवाबिल खैर, ए मुआज़ इब्ने जबल क्या मैं तुम्हें भलाई के दरवाजे ना बता दूं। तो कहा कुलतु बला या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज की क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल। कहा अस्सौमु जुन्ना, रोजा रखा करो, व सदकतु तुफिउल खतियत कमा युफिउल माउ अन्नार, और खैरात अदा किया करो, इसलिए कि खैरात जब अदा करोगे तो वो गुनाहों को मिटा दिया करती है, जैसे कि पानी आग को बुझा दिया करता है। आखिरी जुमला जरा देखे, ये मेन पॉइंट में बता रहा हूँ जो मेरे इमाम भी देकर चले गए, जो मेरे मुर्शिदे गिरामी ताजुशरिया पूरी जिंदगी यही तालीम व तल्कीन अपने मुरीदीन मुतकिदीन मुतवस्सिलीन को देकर के चले गए हैं, और जो हमारे और तमाम बुजुर्गान दीन हमारे तमाम हमको तमाम तालीम देकर के चले गए हैं, ये इम्पोर्टेंट और अहम बात है जो मैं आपको बताकर रुखसत हो रहा हूँ। आज हमारी जबानें लगाम नहीं ले रही हैं, हम अपने दूसरे खुश अकीदा अहले सुन्नत वल जमात अपने पड़ोसी की गीबत व चुगली में लगे हुए हैं, इस पर हमारी तवज्जो क्यों नहीं है। गाली सबको शतम करते हैं, जबान यानी हमारी लगाम में नहीं है। बेहूदा गोई फहश गोई ए बद गोई फजूल गोई ला यानी बातें तरह तरह की खुराफाती बातें ये हम अपनी जबान से निकाल दिया करते हैं। मेरे आका ने फरमाया ए मुआज़ इब्ने जबल अला उखबिरुका बिमिला की ज़ालिका कुल्ली, क्या मैं तुम्हें इन सब में असल बात ना बता दूं। कहा क्यों नहीं है अल्लाह के रसूल। फअखज़ा बिलिसानिही, आका ने अपनी ज़बान मुबारक को पकड़ा और इशारा फरमाया और कहा ए मुआज़ इब्ने जबल कुफ अलैका हाज़िही, यानी इस पर कंट्रोल करो, इसको कंट्रोल करो, यानी बोलो तो भला बोलो वरना खामोश रहो। इस हदीस पाक को सुनकर, इस रिवायत को सुनकर हजरत मुआज़ इब्ने जबल ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या हम ज़बान की वजह से भी लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया सकलत कौमों का या मुआज़, ए मुआज़ तुम्हें तुम्हारी मारो, ए पांच वक्त का नमाज पढ़ने वाला मस्जिद की सीढ़ियों से उतरता होगा, उसकी नमाज कंट्रोल यानी उसकी ज़बान कंट्रोल में नहीं होगी, बेहूदा गोई करता होगा, गालियां देता होगा, तो वो गाली बकने वाला, बेहूदा गोई से काम लेने वाला, फजूल गोई से काम लेने वाला, ला यानी कलाम और गुफ्तगू में पढ़ने वाला, वो जरूर जहन्नम में डाला जाएगा, मौत बल जहन्नम में ले जाया जाएगा, और जब तक अल्लाह चाहेगा वो जहन्नम में रहेगा, और उसके बाद अल्लाह अपने फज़ल से उसको जहन्नम से निकालने का हुक्म देगा और जन्नत में दाखिल करने का हुक्म देगा। इसलिए मेरे भाइयों, यहाँ के मुशर्रिना लोगों, मेरी तकरीर का मकसद लुब्बे लुबाब यही है कि मेरे इमाम ने जो अकीदे दिए, मैंने शुरू में जो बयान किया, मेरे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने जो अकीदे दिए, मेरे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने जो अकीदे दिए, मेरे मुर्शिदे गिरामी ने जो बातें बताई, चाहे वो अकीदों के एतबार से हो या अमली मैदान में उतरने के लिहाज से हो, जब तक आपके जिस्म में जान है इमाम की तालीमात पर कायम व दायम रहो, मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहो कि यही मसलक आला हजरत मसलक हक है, और जो पहचान के लिए आज रोशन दलील है सुन्नियों की पहचान है मसलक आला हजरत। अल्लाह तबारक व तआला इसी पर हमारा खात्मा फरमाए, दारैन की सआदतों से मालामाल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, सुभानअल्लाह।
पहुंचा रहे हैं वो करामत साउंड सिस्टम, जो इस पूरे जलसे की आइडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप YouTube पर करामत रिकॉर्डिंग सर्विस को सब्सक्राइब करें और